દાહોદ જિલ્લામાં નવીન કમલમનું ઉદ્ઘાટન કરતા ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ CR પાટિલ આજરોજ દાહોદમાં કમલમ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। ઉપરાંત કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે CR પાટિલે સભાને સંબોધિત કરી હતી। મોટી સંખ્યામાં આવેલી જનમેદનીએ CR પાટિલને કેસરીયો ખેસ હાથમાં લઈ આવકાર્યા હતા। તેમજ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સાંસદ શ્રી જસવંત સિંહ બાબોર, पूर्व गुजरात कैबिनेट मंत्री बच्चूभाई खाबड़, धारासभ्य शैलेश भाई बाबोर, जिला प्रमुख शीतलबेन वाघेला, शंकर भाई अमलिया, उप प्रमुख सरतन भाई चौहान, जिला पंचायत सभ्यश्रीओ, तालुका पंचायत सभ्यश्रीओ, तमाम होद्देदारों ने सम्मानित करवामां आव्या हता। तेमज तमाम पार्टीना होद्देदारोनो आभार व्यक्त कर्यो हतो। तेमने आपेल भेट सोगादो तथा हाथ में पहेरवामां आवेला चांदीना भूरिया अने चांदीना पट्टा आ तमाम चांदीना दागीना नवीन कमलम बिल्डिंगना खर्च में अर्पण कर्या हता। आ मोटी संख्या में जनमेदनी जोईने पाटिल जी भावुक थई गया हता। તેમજ દાહોદ જિલ્લાની તમામ વિધાનસભા ભાજપના ઉમેદવારોને ભવ્ય વિજય કરવા માટે કાર્યકર્તાઓને હાકલ કરી હતી। તેમજ વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે દરેક કાર્યકર્તાઓ સૌથી પહેલાં સવારમાં ચા પીધા પહેલાં પોતાના પરિવાર સાથે મતદાન કરો। તેમજ આજુબાજુ કે ગામમાં કોઈ મતદાર મત આપ્યા વગર ના રહે તેની કાર્યકર્તાઓ તેમજ પેજ પ્રમુખોની સંપૂર્ણપણે કાળજી લેવા જણાવ્યું હતું। તેમજ ભાજપના ઉમેદવારનો જંગી બહુમતીથી લીડથી જીત કરે તેવું આહવાન પણ કરવામાં આવ્યું હતું। ગોવિંદભાઈ પટેલનો રિપોર્ટ, દાહોદ। તાલુકાના આર્કિટેક્ટ શ્રી ચિંતનભાઈ મોડિયા બૂથ કમિટી કોંગ્રેસિયા હતા સાથેના પાટિયા બેસી જાય અને ભારત માતા કે જે ધીમેથી બોલાવો धीरे बताए ले साथे नवसारी का संसद सभ्य तरीके चूंटाई आवे छे प्रदेश अध्यक्ष जेने प्रमुख बन्या पछी योजना लंबाई एना माटे मंजूरी नहीं आपवाना कारनामा विकास का कामों ने अटकाववाना कारनामा कोरोना ना समय ने अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबे बे वैक्सीन आपला देश का साइंटिस्ट पास से तैयार कराई एकदम विश्वास मुख्य यार बहनों अपना पेश समिति ना कार्यकर्ता ने बताओ तो करो बेनो पाछा वाले ना ऊंचो समरातो लागे छे બધા એક સાથે વધારો મને અમે સ્વાગત પ્રવચન માટે આમંત્રિત કરું છું। પૂરી તાકાતથી આપણે ભારત માતાનો જે જયસિંહભાઈ પરમાર તમામ બોરિયા લઈને આવેલા કાર્યકર્તાઓ બોરિયો લઈને આવેલા તમામ કાર્યકર્તાઓ લાઈન સર સ્ટેજ ઉપર આવશે। रोपणी કરીને એને ખાતર નાખવા માટે 2000 રૂપિયા અને નિંદન કરવું હોય કે કાપણી કરી હોય ત્યારે બીજા 2000 રૂપિયા 6000 રૂપિયા તમારા ખાતામાં જમા થાય છે। અધેશનો તાજ ક્યારે લાચાર ન હોય એટલા માટે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એમણે કહ્યું કે ક્યારે કોઈ અરજી ના કરી પડે। दाहोद जिला भारतीय जनता पार्टी कमलम कार्यालय लोकार्पण प्रसंगे अपने उपस्थित सौ साधु संतों ने मारा प्रणाम, सौ संत परिवार सौ आगेवानों ने मारा वंदन। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश का संगठन महामंत्री आदरणीय श्री रत्नाकर जी, प्रदेश का महामंत्री श्री भार्गव भाई भट्ट, देश का गरीब व्यक्ति धंधा रोजगार बंद है, એની પાસે પૈસા નથી, એના કારણે એના ઘરમાં કોઈ મૃત્યુ થાય એ મને મંજૂર નથી। એમણે સરકારના અનાથ આશ્રમ ખોલી નાખ્યા, દરેક જણને માતા દીઠ 5 કિલો અનાજ મફતમાં આપ્યો। તમને મળ્યું કે નહીં? હજુ મળે છે કે નહીં? આ જોરમાં બોલજો ભાઈ, મળે છે અનાજ? कोरोना संकट ना समय में कोई भूख बनाती मरे नहीं, एना माटे मफत अनाज आपवानी योजना जो बनावी। पछी पथारी में होय तो डॉक्टर कहे के लो आ गोळी लो, का गोळी એટલે ખબર પડે છે ને, તો બે ગોળીમાં ચાલે ને માણસ, એને શું કહો છો તમે? का गोळी, काक माने એટલે का गोळी, वगैरे माने बगल गोली करीने कोई चालता होय अने पछी फसराई पड़े एवी हालत कांग्रेस की छे। 27 वर्षथी ए गुजरात में कोई जगह सत्ता पर नथी छे के विधानसभा एमां अमने क्यारे कोई मंत्री पद मळ्युं नथी। आ 27 वर्षथी कांग्रेस सत्ताथी गुजरात में भाग छे, छता अमर तुम्हें जाओ तो बड़ा बोर्ड लगे छे, कांग्रेस तो काम बोले छे, क्या बोले, क्या बोले। हमने हमारा आदिवासी आगे वाले जयसिंह भाई वसाया ने बताने हमें विनती करी कि तुम्हें चार माह कैंप करो, हमें पोते ना वैक्सीन पहला लो, हमारा घर में मेहमान ने करो, भारतीय जनता पार्टी ना कार्यकर्ता वैक्सीन ले। याद रखो कच्छ कचावी ने बदलो लेवानो छे, जे आपने मागना घणो काउट करे, आपने भड़कावे, जे व्यक्ति आपनो जीव बचावी सके एने गैरमार्गे दोरीने वैक्सीन से वंचित राखवानो प्रयत्न करे। એટલે આ વખતે પાઠ ભણાવવાનો સમય છે, છે કે નહીં? અને કેટલાક લોકોને ખબર હોવી જોઈએ કે મફત આપવું તો શું આપવું જોઈએ, मफत आप जीव बचावा वैक्सीन आप मृत्यु न थाय अनाज आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बीजा के सहयोग कार्यालय आ विस्तार साबित आ कार्यालय पूरु करवानी खूब रात दिवस अथाह मेहनत करी है। सीआर आर पाटिल हस्ते बने पत्नी सहयोग वगैरह रात दिवस तो कार्यालय के पूरु थी सके। नाम बोलो। माननीय जिला भाजपा प्रमुखश्री ने 9 महीना दरमियान जेपन जिला भोरिया ने कड़ा मळ्या ए सीआर आर पाटिल साहब ने सौ भोरिया ने कड़ा कार्यालय निर्माण सीआर आर पाटिल साहब अर्पण करे। माननीय श्री शंकर अमलिया साहब त्यार बाद आपणे एक एक बोरियो ने चांदी आपवा जईशुं, एक एक आपीने निकळीशुं, पाछळथी लई लेशुं, जेनी पासे चांदी होय। लोको नाम बोलो। मंच परथी आपणे नाम बोली गयुं। मनुभा मंडोल सीनियर कार्यकर्ता गरबाड़ा, प्रजी भाई राठौर, रमेश भाई कलसी भाई बाबोर तालुका पंचायत प्रमुख दाहोद, सुनील भाई नारसिंह वाघेला जिला पंचायत सदस्य दाहोद ग्राम्य, मुकेश भाई काला दाहोद, जयसिंह भाई वसाया दाहोद, अनिताबेन मचार, नजमो भाई गांगारे वाला, मक्की भाई बारिया, मुकेश भाई काला परमार, शैलेश भाई सरपंच छापरी, सुरेश भाई राठौर मंडल महामंत्री जी दाहोद ग्राम्य, बाबू भाई बुड़िया आदिजाति प्रमुख दाहोद रमेश भाई अमलिया प्रदेश एसटी बोर्ड का कारोबारी सभ्य, रजाक भाई पटेल जिला लघुमती मोर्चा प्रमुख, जित्रा भाई बुड़िया भाई डामोर जिला पंचायत कारोबारी चेयरमैन, मुकेश भाई महेंद्र भाई लवाना मंडल प्रमुख दाहोद ग्राम्य,